हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभ्यर्थियों की शिकायत निराधार, किरतपुर प्रखंड के दोनों पंचायतों की काउंसलिंग पर फैसला आज। जांच में 213 पंचायतों की काउंसलिंग बेदाग निकली। 215 में से 213 पंचायतों के अभ्यर्थियों की चयनित सूची कल तक NIC पर हो जाएगी अपलोड। 12 जुलाई को जिले के 18 प्रखंड के 215 पंचायत में शिक्षक नियोजन के लिए हुए काउंसलिंग की जाँचों उपरांत शिक्षा विभाग ने 213 पंचायतों की काउंसलिंग को हरी झंडी देते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इन पंचायतों में 20 जुलाई तक काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों की सूची NIC पर अपलोड किया जाएगा। वहीं शिक्षक नियोजन की 6 अस्थगित काउंसलिंग कैंपों में से 4 को बहाल कर दिया गया है। केवल DEO का हस्ताक्षर होना बाकी है। बहादुर प्रखंड के उघरा व प्रेम जीवर पंचायत, सदर के शीशो पूर्वी पंचायत और कुशेश्वर स्थान के बिफरिया पंचायत की काउंसलिंग को धांधली की शिकायत मिलने के बाद स्थगित कर दिया गया था। केवल किरतपुर प्रखंड के जमालपुर और खैरा जमालपुर पंचायत की काउंसलिंग पर रद्द होने का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। बाकी 213 पंचायतों की काउंसलिंग जो है एकदम बेदाग निकली है जांच के बाद, तो अब वो NIC के पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा वहाँ के चयनितों का सूची। 6 में से 4 काउंसलिंग को जाँच में मिला क्लीन चिट। 12 जुलाई को प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए 18 प्रखंडों की 215 पंचायतों में काउंसलिंग के लिए 63 कैंप लगाए गए थे। इसमें 2 से 3 दिनों के अंदर 100 से अधिक शिकायतें मिली। इसके निपटारे के लिए DEO विभा कुमारी ने त्रिस्तरीय जांच समिति बनाई। जांच समिति में DPO स्थापना विजय चंद्र भगत, DPO MDM संजय कुमार देव कन्हैया और DPO योजना लेखा कुमार सत्यम नोडल पदाधिकारी के तौर पर शामिल किया गया था। रविवार की जांच टीम ने 6 में से 4 पंचायतों की काउंसलिंग को क्लीन चिट दे दी। किरतपुर के दोनों पंचायतों की काउंसलिंग जो है रद्द हो सकती है। तो 213 पंचायतों का जब जांच हुआ, 215 पंचायतों का जांच होना था जिसमें 213 का जांच हुआ, तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं मिला तो एकदम बेदाग निकला है। तो वहाँ का जो सूची है वो कल तक NIC पर अपलोड हो जाएगा। दरभंगा का ये न्यूज है, दरभंगा भास्कर 9/7/2021 देख सकते हैं आप। तो चलिए, अब दो जगह का और जांच होना बाकी है, उसके बाद यहाँ का पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।